सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आपके लिए आज हम लाए हैं रीपर, जो गेहूँ कटाई करता है। गेहूँ का भी सीजन चल रहा है, तो देख सकते हैं कि आप ये महिंद्रा 595 DI टर्बो पे जुड़ा हुआ है। और इसकी हम जानकारी आज इसका हम फुल रिव्यू करेंगे और इसकी जानकारी हमारे अनमोल भाई देंगे। तो किसान भाइयों, आप अनमोल भाई हमारे आ चुके हैं, बताएंगे। किसान भाइयों, राम राम। तो आप देख सकते हैं अभी रीपर है और इसकी जानकारी देंगे। बताइए अनमोल भाई, आप कौन सा मॉडल का जो रीपर है भैया? 2015 का मॉडल हमने लिया था पंजाब से। और सर, आपको इसके प्राइस की आप पड़ी थी पूरे फिटिंग वगैरह की? भैया पूरी फिटिंग वगैरह लगा के हमें अभी पड़ी थी 2 लाख में, लगभग 2 लाख पड़ी थी। किसान भाइयों, आइए अब इसकी हम जानकारी देते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसके इनसे, ये क्या चीज़ है अनमोल भाई, बताइए इनसे क्या होता है? भैया पट्टे हैं ये, जो ये चीज़ लगी हुई है, इन्हें जो गेहूँ लान होता है उसे मतलब बाहर निकालने के लिए मदद करती हैं ये। कुछ मशीनों में 3 पट्टे भी आते हैं, पर हमने 2 लिए थे। 2 ये स्टेबल है और ये इसमें अच्छा कार्य करते हैं। जो 3 थे वे मतलब कि लान तोड़ते थे ज़्यादा, बकेरते थे गेहूँ, उसकी गेहूँ की जो बाल होती है उसे हिलाते थे तो नुकसान होता था, कुछ मज़ा नहीं आया। तो काफ़ी समस्या आई उसमें। तो इन्होंने ये बता रहे हैं ये वाला जो इन्हें आज बेस्ट लगा। तो अनमोल, जैसे तो इनके ब्लेड्स हैं तो आप इन्हें चेंज किया है या वैसे ही किया, कोई मतलब सही है चल रहे हैं? भैया अगर इसमें क्या नाम है गेहूँ चलता रहा तो कोई टूट फूट नहीं होती है, भांग आ जाती है, लकड़ी वगैरह गिर जाती है, तो इसकी वजह से टूट फूट हो जाती है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। पर हमने तो आप इन्हें चेंज कैसे करते हैं? भैया यहाँ से इनमें 2 बोल्ट खुलते हैं बीच से और ये पूरी पूरी प्लेट ऐसे बाहर को निकल जाती है और चेंज हो जाते हैं। चेंज करते हैं आप? हाँ भैया, ये कुछ बोल्ट हैं, ये 3-4 और कुछ आगे हैं, यहाँ से खुलते हैं। इसमें लॉक भी दे रखे हैं पत्ती वाले लॉक, जिससे अपने आप ना खुल जाएं। तो ये अनमोल, ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए है? भैया ये इतने, ये जो ये चीज़ है ये ऐसे कुछ गेहूं को चुनिंदा को लाएगी और यहाँ पे ले जाएगी, ज़्यादा नहीं आने के, एक साथ ज़्यादा नहीं भरने के, ये क्वान्टिटी मेजरमेंट के लिए है, ज़्यादा नहीं कटेंगे इससे, वरना जो ऐसे हो जाते तो सारे आ रहे हैं, कट रहे हैं, जा रहे हैं, फंस रही है। तो जैसा कि अनमोल भाई हमारे बता रहे हैं और इनसे और जानकारी लेते हैं, इसकी बैक से इस साइड से आते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए अनमोल, ये जो इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, इसमें 2 मैं देख रहा हूँ। जैसे भैया अगर यदि हमारी बेल्ट लूज हो जाती है कभी, तो हम इसे ना बदल के इससे कस सकते हैं, जिससे स्टेबल अच्छी तरह चले, मतलब स्लिप ना होए। और इसमें जो PTO साफ्ट है वो बैक से है? भैया बैक से हमने जोड़ रखी है, उन्होंने जोड़ के दी थी बैक से। हमने कहा बैक भी लगा रहे थे, हमने कहा कि आगे लगाना है, तो इन्होंने आगे कन्वर्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि ये साफ्ट आ रही है, जो अंदर PTO साफ्ट है देख सकते हैं आप, ये PTO साफ्ट पूरी खींच के आ रही है सही तरीके से। और ये देख सकते हैं पीछे आप, पीछे इसमें ये भी है, ये आ रही है इसमें, यहाँ इससे PTO साफ्ट जुड़ी हुई है और ये PTO से ऐसे बेल्ट से जुड़ी हुई है। तो अनमोल आपने इसमें लिफ्ट का ऑप्शन लिया, इसमें लिफ्ट का ऑप्शन था या आगे वाला जो पंप लगते हैं भी, मैंने देखे ज़्यादातर ये भी आगे भी रहते हैं, पर उसमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि ज़्यादा नलकी वगैरह हो जाती है तो मज़ा नहीं आता, इतना ट्रैक्टर भरना रहता है। तो उन्होंने यही अच्छा बताया था, हमने उनसे पूछा, बातचीत करी, क्योंकि ये बेस्ट लगा हमें, हमने लगवाया है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया चल रहा। भाई दिखा दो, ये वायर जा रहा है, ये आयरन वायर है, मतलब ये लिफ्ट से कंट्रोल होता है सब चीज़? हाँ भैया लिफ्ट से कंट्रोल होता है, यहाँ पे व्हील दे रखे हैं जिससे घिसाई वगैरह ना होए, सीधा जो बल है वो आगे चला जाए, घिसाई वगैरह ना होगा। ओके तो किसान भाई, जैसा कि हमारे अनमोल भाई ने बताया है, इसकी पूरी डिटेल बताई है इन्होंने कि इसकी PTO साफ्ट कैसे काम करती है और इसके ब्लेड, आप इसका ब्लेड दिखा सकते हैं हमें भाई, ब्लेड भी आप? हाँ भैया, मैं अभी एक मिनट हिला के। तो किसान भाइयों देखिए, अनमोल भाई ने हमें ये ब्लेड दिखाया है, देख सकते हैं आप, ये हिंडन कंपनी का है और देख सकते हैं कितना बेहतर शार्पनेस है और देख सकते हैं कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वालिटी का है। तो चलिए किसान भाइयों, और हम अनमोल से हम थोड़ी सी और जानकारी पूछते हैं इसके बारे में। तो अनमोल, ये जैसे ग्रेवे गेहूँ होते हैं, मतलब ग्रेवे उन्हें भी काट लिए गए भैया? अगर हाथ का सहारा लग जाए तो उन्हें उठा काट देगी, मगर जो धरते मिले हुए उन्हें क्या काटती है, काटती? हाँ ये तो बात है भाई, मिले हुए तो मशीन तो वैसे ही काटती है थोड़े खड़े से। अनमोल इसका और बताइए हमें इसका, और ये इसकी हमें बताइए लंबाई कितनी होगी भैया? इसकी 8 फुट लंबाई है। और ये किस काम आता है ये?
भैया जैसे गेहूँ गिरते हैं तो एक सार नहीं गिरते, मतलब कि ट्रैक्टर चल रहा है स्पीड से इधर गिर रहे हैं इधर गिर रहे हैं, तो स्टेबल मतलब कि ऐसे स्टेबल गिरती है एकदम, मतलब लाइन वाइज। तो किसान भाइयों देख सकते हैं अनमोल भाई ने हमें अच्छी जानकारी दी इसके बारे में, रीपर के बारे में। तो अब हम इनसे इसे थोड़ा सा चला के और ऊपर नीचे करके देखते हैं कि लिफ्ट कैसे काम करती है। अनमोल भाई चलिए बैठ बताइए। किसान भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, वो हाँ अनमोल भाई से ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। अनमोल भाई दिखाइए। ऊपर हो गई ऊपर। किसान भाई देखिए ट्रैक्टर कैसे घूम रही है। किसान भाई को आगे से होते भाई किसान भाइयों एक बार हम इसका पूरी चारों तरफ से रिव्यू कर लेते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने इसका फुल रिव्यू करा है रीपर का, और अगली वीडियो में हम इसे गेहूँ कटाई काट के दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपके नए हमारी वीडियो का पता लगता रहे। तो मिलते हैं और अगली नई वीडियोज़ में अच्छी और बेहतर। तो नमस्कार, धन्यवाद।